स्य गौरवाय नाश्रि कल्याण हेतवे युवकानां विकासाय विवेकानन्दं नमाम्यहम्। स्वामी जी कहे छे कि भारत ए एक शक्तिशाली राष्ट्र स्वरूपे विश्वना नक्शा पर स्थान मेळववू होय तो विज्ञान अने उद्योग वगर प्रगति शक्य ज नथी। टेक्निकल ज्ञान विज्ञान अने उद्योगोना क्षेत्रे विकास करी समर्थ भारतनु निर्माण करवू जोईए। विवेक थी विकास। गुजरात खूब झड़पथी विकसतु राज्य छे, एटलू ज नहीं पण गुजरातनी विकास दौड़ना परिणामे गुजरात विश्वना विकास नक्शामां नवा सीमाचिन्हो प्रस्थापित करी चुक्यू छे। राज्यमां औद्योगिक विकास माटे गुजरात सरकारे सविशेष पगला लीधा छे। गत वर्षे योजायेली वाइब्रंट समिटमां लगभग 21 लाख करोड़ना एमओयू थया छे अने आगामी 5 वर्षमां लगभग 30 लाख जेटली रोजगारीनुं निर्माण थशे। वर्ष 2003 थी दर 2 वर्षे वाइब्रंट समिटनुं आयोजन थाय छे। छेल्ली 5 वाइब्रंट समिटमां 12,000 થી વધુ એમઓયુ થયા। દેશ વિદેશના ઉદ્યોગ માનધાતાઓ અને કોર્પોરેટ જગતે ગુજરાતમાં મૂડી રોકાણ કર્યું છે। એટલું જ નહીં વિશ્વના અનેક દેશો પણ ગુજરાત સાથે વેપાર કરવા તત્પર બન્યા છે। ગુજરાતે આર્થિક પ્રગતિના નવા સીમાચિહ્નો પ્રસ્થાપિત કર્યા છે। ગુજરાતનો વિકાસ મંત્ર સ્વીકારીને સમગ્ર રાષ્ટ્રના વિકાસમાં પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે। ગુજરાતની આ વિકાસ દોડની વિશ્વ આખાએ નોંધ લીધી છે। વિવેક મંત્ર। हम विकास की नई नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। नॉलेज टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दुनिया में चल रहे नए मैनेजमेंट की दुनिया ग्लोबल इकोनॉमी के रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर हमारे गुजरात की नई पीढ़ी इन चीजों से परिचित नहीं होगी तो इस बदलती हुई दुनिया को वो कोप अप नहीं कर सकते। भाइयों बहनों ये समिट ये पूंजीपतियों के लिए समिट नहीं है, ये पूंजीपतियों को समाज का जिम्मा उठाने के लिए प्रेरित करने वाली प्रोत्साहित करने वाली समिट। आज पूरे देश में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उसकी सक्सेस के विषय में कोई सवाल नहीं उठाता है। आज जो चर्चा हो रही है हिंदुस्तान के सभी राज्यों ने भी और भारत सरकार ने भी ये गुजरात जो कर रहा है ऐसा ही करना चाहिए।